जी, अब है मोनोकोट रूट। ठीक है, मोनोकोट रूट का सबसे पहले डायग्राम है, वही सबसे बाहर की लेयर को एपिब्लेमा बोलते हैं। ठीक है, ये रूट हेयर्स हैं, ये एपिडर्मिस है। फिर आती है कॉर्टेक्स लेयर, ये कॉर्टेक्स की लेयर है। सेल्स जो है वो पैरेन्काइमेटस सेल्स हैं। कॉर्टेक्स की अंदर की लेयर क्या है, एंडोडर्मिस है। ठीक है, एंडोडर्मिस के अंदर वही है, एंडोडर्मिस एक सिंगल लेयर है। एंडोडर्मिस के अंदर कैस्पीरियन स्ट्राइप्स हैं, रेड कलर से दिख रही हैं। अच्छा, एंडोडर्मिस के अंदर आती है पेरिसाइकिल। ठीक है, पेरिसाइकिल डाइकोट रूट के अंदर भी सब कुछ सेम था इतना, और मोनोकोट के भी अंदर ये सेम है। अब डिफरेंस कहाँ पे आता है, दोनों के बीच में डिफरेंस आएगा वेस्कुलर बंडल के अंदर। वहाँ पे जो वेस्कुलर बंडल थे वो कितने थे, सिर्फ 2 से 4 प्रेजेंट थे, बट यहाँ पे क्या है, मोर देन 6। ठीक है, पोलियार कंडीशन मिलेगी यहाँ पे। देखो कितने सारे जाइलम्स हैं, ठीक है, कितने सारे फ्लोएम के पैचेस हैं, वहाँ पे सिर्फ 2 या 4 थे। अच्छा, एक वहाँ पे जो जो बीच का एरिया था जिसे हम पिथ बोलते हैं, वो बिल्कुल छोटा था, बट यहाँ पे मोनोकोट के अंदर ये जो बीच का सेंटर का एरिया है, जो पिथ है, ये क्या है, लार्ज है और वेल डेवलप्ड है। ठीक है, तो ये डायग्राम था। अब इसके बाद इसकी थ्योरी है, इसमें क्या लिखना है, वही स्टार्टिंग से तो डाइकोट की तरह सेम ही है, जैसे कि आउटर मोस्ट लेयर लिखेंगे, एपिब्लेमा थी, एपिब्लेमा के जो सेल रूट हेयर्स प्रोट्रूड करेंगे, यूनिसेलर होंगे रूट हेयर्स। उसके बाद हमारे पास आएगा कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स क्या है, कॉर्टेक्स कंसिस्ट ऑफ सेवरल लेयर ऑफ थिन वॉल्ड पैरेन्काइमेटस सेल्स विद इंटरसेलुलर स्पेस। उनके बीच में पैरेन्काइमेटस सेल्स के अंदर क्या होगा, इंटरसेलुलर स्पेस होता है। उसके बाद आता है हमारे पास एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस क्या होता है, इनर मोस्ट लेयर होती है कॉर्टेक्स की, सबसे अंदर की लेयर है। इस ये एक सिंगल लेयर है। इसके जो सेल है उसकी शेप कैसी है, बैरल शेप है। इसके अंदर कोई भी स्पेस नहीं होता, विदाउट इंटरसेलुलर स्पेस। अब एंडोडर्मिस के अंदर स्ट्राइप प्रेजेंट थी, कैस्पीरियन स्ट्राइप्स। ठीक है, जो किसकी बनी है, सुबेरिन की बनी है, विच इज़ वाटर इम्परमीएबल। ठीक है, नेक्स्ट आता है पेरीसाइकिल। पेरीसाइकिल वही एंडोडर्मिस के अंदर की साइड प्रेजेंट होगी। अब आते हैं वेस्कुलर बंडल। वेस्कुलर बंडल से ही डाइकोट रूट और मोनोकोट रूट के अंदर डिफरेंस आता है, वरना बाकी चीज़ें तो सेम सेम सी थी। वेस्कुलर बंडल में देखिए, देर आर मोर देन 6, जिसको हम क्या बोलते हैं, इस कंडीशन को पोलियार्क बोलेंगे। देर आर मोर देन 6 जाइलम बंडल्स प्रेजेंट। ठीक है, डायग्राम के अंदर देख भी रहे हो, बहुत सारे जाइलम के बंडल्स प्रेजेंट होते हैं। अब उसके बाद आता है पिथ। पिथ जो होती है वो लार्ज होती है और वेल डेवलप्ड होती है। ठीक है, जो सेंटर का जो पोर्शन है ये थी, पिथ कैसी थी, लार्ज एंड वेल डेवलप्ड। और डाइकोट के अंदर बिल्कुल थोड़ी सी थी, स्मॉल थी, बट मोनोकोट के अंदर लार्ज है। अच्छा, एक जो स्टार पॉइंट है वो ये है कि मोनोकोट रूट्स डू नॉट अंडरगो एनी सेकेंडरी ग्रोथ। मोनोकोट रूट्स जो है वो कोई सेकेंडरी ग्रोथ नहीं करती हैं, ये चीज़ ध्यान रखनी है। ठीक है, तो मोनोकोट रूट इतना ही था, बहुत इजी है। एंड थैंक यू सो मच।